स्वागत है आप सभी का द फोर्थ एस्टेट न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं रंजन। जिस प्रकार से पिछले काफ़ी दिनों से कश्मीर में सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं और माइनॉरिटी उस वजह से खौफ में है, ऐसे में माइनॉरिटी के कई सारे लोग, माइग्रेंट फैमिलीज़, कई सारे लोग ऐसे जो जॉब्स कर रहे थे वहाँ पर, वो मजबूर हो चुके हैं जम्मू आने को। और ऐसे में कुछ ऑर्डर्स ऐसे भी वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, जिनका ना सिर होता है ना पैर, और बाद में उसको लेकर फिर प्रेस रिलीजेस तक आ जाती हैं कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला गया है। लेकिन अगर बात करें किलिंग्स की, जो टारगेटेड एक सिलेक्टेड कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उस सब पर और ये किलिंग्स जो हो रही हैं इस पर क्या स्टैंड है अपनी पार्टी का, विजय बकाया साहब का, उस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त विजय बकाया जी। सर स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट में। सर किस प्रकार से देखते हैं कि इसमें ये लगातार किलिंग्स, वो भी एक सिलेक्टेड चुन चुन के लोगों को जो है वहाँ पर मारा जा रहा है, और एक सिलेक्टेड टारगेटेड किलिंग का नाम इसे दे रहा हूँ मैं, क्या कहना है आपका इस पर? ये लगातार तो नहीं हुई, अचानक हो गया और बड़ा दर्दनाक निर्मम हत्या की गई दुकान में आके, बिंद्रू साहब को, उससे पहले बांडीपुर में किसी को मार दिया, फिर एक डाउनटाउन में गोलगप्पे बेचने वाले को मार दिया, और फिर स्कूल में जाके एक हेडमिस्ट्रेस को और एक टीचर को मार दिया। ये तो बड़ी दर्दनाक घटनाएं थी और इससे जो है खौफ का माहौल पैदा हुआ। इससे पहले मटन में एक मंदिर पर भी हमला किया गया था और उसकी बेहरमती करने की कोशिश की गई थी, और ये पहली बार बहुत सालों में हमने इस तरह का वाक़या देखा। तो ये जाहिर था कि एक खौफ का वातावरण फैलेगा और फैला भी, और ख़ासकर कश्मीरी पंडित विस्थापित जो वहाँ पे एक पैकेज के तहत नौकरी करने गए हुए थे, उनमें ज़्यादा डर फैल गया, क्योंकि वो एक क्लस्टर्स में रहते हैं और बिखरे हुए रहते हैं, और अभी पिछले 15 साल से समझ लीजिए अच्छी तरह काम कर रहे हैं वहाँ, सबके साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। तो उन्हें जाहिर है ये लगा होगा कि अब हम टारगेट बन गए, बिंद्रू साहब को अगर टारगेट बना है इससे, कोई 32 साल से वहाँ पर काम कर रहे, जो 32 साल से काम कर रहे थे और लोगों को मिलजुल के काम कर रहे थे, सही दवाइयाँ वो बेचते थे, गरीबों को मदद करते थे, उनको गोली से उड़ा देने का मकसद क्या है, कौन सी मानसिकता है उसके पीछे, जाहिर है यही है कि साहब आप लोग किसी एक अकलियत से ताल्लुक़ रखते हो, आपका काम अब यहाँ नहीं, आप निकलिए, अदरवाइज़ ये तो दिमाग में आती ही नहीं बात कि बिंद्रू साहब जैसे इंसान को किसी से दुश्मनी होगी या कोई उसका दुश्मन होगा। बाद में जो उन्होंने वो स्टेटमेंट दिए कि उनका का ताल्लुक किसी पार्टी के साथ है, वो तो यूँ ही जाली बातें होती हैं, लेकिन जाहिर है कि अकलियतों को, सिख अकलियत को और कश्मीरी पंडित अकलियत को, एक ऐसे एलिमेंट्स फिर से उभर के आए हैं जो 90 में आए थे, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि 90 का वातावरण, यानी कि आपका भी यही कहना है कि जो 90 में वातावरण बना था, 90 में जो हालात बने थे, जिन हालातों में कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलकर जम्मू आना पड़ा था, उसको वापस रिक्रिएट करने की कोशिश हो रही है ताकि 90 के हालात फिर वहां पर बने और फिर से एक बार फिर से ये दोबारा दूसरा डिस्प्लेसिंग वहां से हो। देखिए ये मैंने सरकार को पहले भी बोला है कि ये तहकीकात करें, कहीं ये उसी तरह की साजिश कहीं पक तो नहीं रही है जो कि 90 में पकी थी और जिसका पता ही नहीं लगा। एक तूफान आया, हम उड़ गए सब उसमें, उससे पहले टिकलाल टपलू साहब को मार दिया गया था, नीलकंठ गंजू साहब को मार दिया गया था, दो आइकॉनिक फिगर्स थे कश्मीरी पंडितों के, तो उससे भी इशारा नहीं मिला एडमिनिस्ट्रेशन की कोई इसके पीछे कोई चाल है। और फिर बाद में जब वो विस्थापन के लिए एक माहौल बना तो सब लोग हैरान हो गए ये क्या हो गया। तो हमने यही कहा कि आप इस साजिश का पर्दाफाश जितना जल्दी कर सकेंगे करिए, नहीं तो जिस तरह से एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि मंदिर, फिर बिंद्रू साहब, फिर सिख हेडमिस्ट्रेस, एक शेड्यूल कास्ट टीचर और एक पासवान साहब, तो इसमें एक पैटर्न है कि जो भी कश्मीर की मेजॉरिटी का हिस्सा नहीं है उसको वहाँ नहीं रहना चाहिए। तो अपनी पार्टी तो मजम्मत करती है किसी भी हत्या का, और ख़ास तर से इस तरह से निर्मम हत्या करने के पीछे तो दिल दहलता है,
और जो बिंद्रू साहब के हमसाये भी थे, मेजॉरिटी के हमसाये थे, उनका भी दिल दहल गया कि ये किसके साथ इस तरह से इन्होंने अत्याचार करा। तो ये कम्युनलाइज करने की भी कोशिश है, लेकिन इन एलिमेंट्स को ये याद रखना चाहिए कि इतना कुछ होने के बावजूद, 31 साल की अफरा तफरी के बावजूद, जो है कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान के बीच में जो जो जज्बाती लगाव है उसमें दरार नहीं आई। हाँ, मिस्ट्रस्ट ज़रूर पैदा हुआ जब 90 में ये निकल गए और इनको बचाने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे माहौल फिर से ठीक हो गया। वो जो पुरानी एक रिवायती एक भाईचारा था वो आम आदमी और आम कश्मीरी मुस्लिम हिंदू में, पंडित में फिर से बहाल हो रहा था। शायद इसी में फिर से दरार डालने के लिए ये कोशिश हो। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये किलिंग्स हुई हैं, क्या लगता है, क्योंकि सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि अब जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर हालात ठीक हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है, और एकदम से ऐसा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 15 अगस्त से कुछ टाइम पहले से ही ये हालात वहाँ पर बिगड़ना शुरू हुए थे जब अटैक्स होना शुरू हुए। क्या लगता है कौन से ऐसे लूप होल्स वहाँ पर रह गए हैं, क्या कमी रह गई है वहाँ पर सिक्योरिटी में, जो इस प्रकार से आतंकवादी संगठन फिर से अपना सिर उठा रहे हैं? एक तो ये है कि हर एक आदमी को प्रोटेक्शन दिया नहीं जा सकता, एक सिक्योरिटी रिव्यू होता रहता है हर आदमी का जो वल्नरेबल है, उसका थ्रेट परसेप्शन डिटरमिन किया जाता है, उस हिसाब से सिक्योरिटी दी जाती। लेकिन जो वल्नरेबल हैं वो तो कश्मीरी पंडित हैं ही, इसीलिए जहाँ पे वो रह रहे हैं, क्लस्टर्स में रह रहे हैं, जैसे वेसू है, काजीगुंड के पास आपका मटन है और आपके शेखपुरा है, वहाँ पे तो सिक्योरिटी दी हुई, लेकिन इंडिविजुअल, अब मैं कह रहा हूँ कि बिंद्रू साहब को भी इस तरह से हत्या का, गोली का शिकार बनाया जाएगा, ये आम तौर पे किसी के दिमाग में आता नहीं। अब मुझे नहीं मालूम उनको सिक्योरिटी थी रही होगी, लेकिन एक सबसे बड़ी जो चिंता की बात, वो शहर के अंदर एक पिस्तौल लेके एक मिलिटेंट गलत इरादे से घुसाए, उससे ये लगता है कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी ग्रिड होता है, जो शहर के इर्द गिर्द एक सिक्योरिटी का एक ग्रिड होता है, उसमें कहीं ना कहीं लूपहोल है जिसके थ्रू वो आ गया है, तो उसको रोकने की ज़रूरत है। और अब हमें शायद अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें इस बात को, अचानक आप कहते हैं 15 अगस्त के आसपास ही ऐसा क्यों होने लगा, आप याद रखिए कि 15 अगस्त के आसपास ही अफ़गानिस्तान में जो बदलाव आया, जिसका आप सब मान के चलते हैं कि ISI का हाथ था, उससे किसी न किसी के हौसले तो बड़े ही होंगे, बड़े ही होंगे, और उन बड़े हुए हौसलों को वो शायद कश्मीर में भी किसी तरह से इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो स्लीपर सेल्स होती हैं जिनको कहते हैं, उनको फिर से जागृत करने की कोशिश होगी। तो मुझे तो यकीन है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं ये सतर्क हैं, और जैसा आपने देखा ही होगा 8 मिलिटेंट तो मारे गए अभी तक, उसमें से 2 वो थे जिन्होंने एक बांडीपुर की किलिंग की थी और एक उस हॉकर की किलिंग की थी गोलगप्पा बेचने वाले की, बाकी जिन्होंने बिंद्रू साहब की किलिंग की और वो स्कूल में किलिंग की, वो भी पकड़े जाएंगे, वो भी मारे जाएंगे। लेकिन ये है कि तशवीश तो है अभी तक, जब तक कि सरकार ये रीएश्योरेंस न दे माइनॉरिटीज़ को कि उनकी सिक्योरिटी का खास बंदोबस्त किया जा रहा है, तब तक उनका वहाँ से यहाँ आना स्वाभाविक है। जी सर, एक तरफ जहाँ इन घटनाओं के बाद वहाँ डर और भय का माहौल बना हुआ है, उसके बाद कई सारी KP माइग्रेंट फैमिलीज़ जो हैं वहाँ से पलायन कर रही हैं जम्मू को, और ख़ासतौर पर वो लोग जो वहाँ जॉब करते हैं, वो लोग पलायन कर रहे हैं जम्मू की तरफ। और उसके अलावा जैसे वो पलायन करते हैं, पीछे से कुछ ऐसी खबरें उठती हैं कि एक तरफ ऐसी खबर उठती है कि वहाँ पे उनका मास जो है उन्हें ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये खबर भी उठती है कि मास लीव दी जा रही है, फिर उस पर एक प्रेस रिलीज आती है कि कोई मास लीव नहीं दी जा रही, कोई मास ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा, जो भी है नॉर्मल चल रहा है, एज इट इज़ चल रहा है। उसके अलावा एक खबर ऐसी भी उठती है, जो वहाँ पर एबसेंट रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कहना चाहेंगे इन सब चीज़ों के लिए, क्या ये परेशान करने के लिए किया जा रहा है ऐसा? आप तो खुद भी जानते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा बवाल पैदा करता है, बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल फेक क्या है और सच क्या है इसमें तमीज़ करना। लेकिन यही हम कहेंगे कि
इस तरह के माहौल में जहाँ डर का माहौल है, एक ब्यूरोक्रेटिक व्यू नहीं लेना चाहिए कि एक संवेदनशील व्यू लेना चाहिए कि हाँ डर है। मैं तो ये भी कहूँगा, जब मैं चीफ सेक्रेटरी था मेरे घर पे बड़ी सिक्योरिटी रहती थी, अगर नहीं रहती मुझे भी डर रहता कि साहब मिलिटेंसी इर्द गिर्द है, कभी भी आके घुस सकता है। तो इनका ये डरना स्वाभाविक है, और वहाँ से निकल के जम्मू आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जम्मू ये बसे हुए हैं, जम्मू में पले हुए हैं, और जम्मू में मिलिटेंसी नहीं है। तो सरकार को इसमें ये व्यू नहीं लेना चाहिए कि ये सरकारी मुलाजिम है, ये क्यों भाग गए, छुट्टी क्यों नहीं रखी, वो नहीं रखी। एक एकोमोडेटिंग व्यू लेना चाहिए और इमीडिएटली इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए। जहाँ जहाँ अगर बिखरे हुए हैं उनको, कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो रेंट पर रह रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं, दूर दराज इलाकों में पोस्ट है, उसमें उनको अगर टीचर हैं तो जहाँ रहते हैं आसपास के स्कूलों में उनको तैनात किया जाए, और अगर बिखरे हुए हैं कहीं क्लस्टर्स में फिर से उनको रखा जाए, तभी सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो सकता है और तभी रीएश्योरेंस मिल सकती। ये एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन जो होती है उसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी सॉल्यूशंस निकालनी पड़ती है, ये ब्यूरोक्रेटिक तरीके से नहीं। तो इसलिए ये जो आप कहते हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि इनके मन में जो डर और भय का माहौल है वहाँ पर, उस चीज़ को दूर करने के लिए इनको एक तो क्लस्टर्स में रखा जाए, साथ ही साथ इनके पास पास में अगर स्कूल्स में कोई टीचर्स हैं उनको आसपास के स्कूल्स में रखा जाए, और सिविल सोसाइटी भी वहाँ पे। अब कहीं मैं पढ़ रहा था कि हर मस्जिद में एक पुकार निकल रही है कि कश्मीरी मुसलमानों को अपनी अकलियत, कश्मीरी पंडितों का हौसला बढ़ाना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी उनकी है। अगर इस तरह से हो रहा है ये भी अच्छी बात। सिविलियन सर, बट कहीं ऐसा दिखने को नहीं मिला, सुनने को तो मिला होगा सर, सुनने को मिला, बट जब तक आंखों देखा ना हो तब तक कैसे मान सकते हैं उसको। देखिए ना, मैंने जैसे कहा कि ये जो कम्युनल फैब्रिक है कश्मीरी पंडित और मुसलमान का, वो माइग्रेशन के बाद बहुत तहस नहस तो हो गया था, लेकिन बुनियादी जो आपस में एक मेल जोल का, भाईचारे का वो रहा है संबंध, वो टूटा नहीं है। वो जब भी मौका मिलता है वो जाहिर होता है। तो हाँ, 90 में ये जरूर सर, लेकिन आप जैसे ये आपसी भाईचारे की बात कर रहे हैं, इस पर मैं ये चीज़ भी जोड़ना चाहूँगा, कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ के कुछ लोग ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो सही नहीं होती है। लाइक मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे दूँ, किसी ने ये चीज़ भी लिखी थी कि आपको एक इंच ज़मीन यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे इसको? ये तो देखिए, मैं सोशल मीडिया पे कोई कमेंट करे, बहुत सारे बेकार लोग होते हैं, कुछ करने को नहीं होता है, तो सोशल मीडिया के स्मार्टफोन हाथ में होता है, कुछ भी लिख बैठते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये अचानक अगर इस तरह से हुआ है, प्रतिक्रिया ऐसी हुई है, तो वो प्रतिक्रिया किस चीज़ की हुई है? सरकार ने सोचे समझे बगैर, मैं तो यही कहूँगा, एक ऐसा ऑर्डर निकाल दिया कि 15 दिन में तहसीलदार, पटवारी, असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी, डिविजनल कमिश्नर, सारी ज़मीन जो कश्मीरी पंडितों की, विस्थापितों की, हड़प कर ली गई है या इनक्रोच कर ली गई है या जो मकान बेच दिए हैं, वो 15 दिन में वापस दे दीजिए उनको, है ना। तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा ऑर्डर था जो कि हलचल मचाने वाला ऑर्डर था उन लोगों में। सर, लेकिन इसमें गलत तो कुछ नहीं था ना? नहीं, गलत कुछ नहीं, एक एक गलत सरकार में गलत या ठीक नहीं होता, सरकार में हिकमत अमली होती है, जो आप इम्प्लीमेंट कर सकें वो डिसीजन आप लीजिए, और वो डिसीजन अगर आपका सही भी है उसको इम्प्लीमेंट करने का ऐसा तरीका लगाइए। ये कौन सी तानाशाही हुई 15 दिन में? आप 15 दिन में हो सकता है क्या आप? और फिर ये कहना कि साहब आपने ज़मीन बेची है या आपका मकान बेचा है तो हम आपको वापस दिलवा देंगे, एक फॉल्स उम्मीद बढ़ा देना, ये भी गलत है। हाँ, मकान जिसने गलत तरीके से बेचा है, फ्रॉड से बेचा है, जाली अटॉर्नी पे बेचा है, वो तहकीकात का विषय है, उसके बाद आप वापस दीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि 100 रुपये की ज़मीन बेचनी थी, उसको डिस्ट्रेस में 80 रुपये की बेची, मगर बेची सही तरीके से, तो हाँ उसको मुआवजा दीजिए, वो 90 रुपये सरकार दे उसको। आप इसके बदले ये कहें आप कि उसमें उसको वापस दिलवा दूँगा ज़मीन, कई बार लीगल इसमें अड़चने आएंगे। इसलिए आपको सही नीयत तो थी आपकी कि आपने कहा कि आप आइए, और आपको ये भी नोट करना पड़ेगा कि जब भी कश्मीरी विस्थापित के वापसी की बात तूल पकड़ती है तब ऐसा होता है, प्रतिक्रिया होता है। तो आपको सरकार को समझना चाहिए कि इस तरह की वापसी को एक
ढंग से एक एक तरीके से एक सूझबूझ से मुमकिन बनाना चाहिए जी। आज के माहौल को देखकर क्या लगता है, क्योंकि यूटी बनने के बाद बड़ी सारी उम्मीदें जागी थी कि अब वापसी होगी, घर वापसी होगी, कश्मीरी पंडितों को वापस लेकर जाया जाएगा, लेकिन अब माहौल जो है उसे देखकर क्या लगता है, क्या वापसी संभव है इस टाइम पर? देखिए, वापसी तो एक ख्वाब है कश्मीरी पंडित विस्थापित का। अब बस गए हैं सब जगह, पता नहीं कहाँ कहाँ बस गए, और हमारी जनरेशन तो वापस जाएगी नहीं, कहाँ जाएगी, ज़मीन बेच दी है, मकान बेच दिए हैं। लेकिन पूरा अधिकार है किसी भी कम्युनिटी को, खासकर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को, और जो वहाँ सदियों से बसी आई है, वो अगर विस्थापित हुए, उनको अधिकार है ये देख एक ख्वाब देखने का कि मैं वापस जाऊँ। 90 में जब सारा अंधेरा था, विस्थापित लोगों को पता ही नहीं था अब क्या होगा हमारे लिए, तो एक नारा होमलैंड का बुलंद किया गया और सब लोग उसके पीछे पीछे चलने पड़े, क्योंकि एक रे ऑफ होप दिखाई थी कि हाँ, हम विस्थापित हुए, वापस जाएंगे वहीं। अभी भी ऐसा सुनने को मिलता है कई सारी जगहों से कि एक होमलैंड अलग से दिया जाए, हमारी एक अलग से यूटी बनाई जाए। देखिए, आप कितना सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को? देखिए, मैं तो इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि कश्मीरी पंडित विस्थापित जो है वो वापस उस गांव और उस कस्बे में नहीं जा पाएगा जहां से वो विस्थापित हुआ। आजकल दो विचारधाराएं चल रही हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में कि एक ही जगह सब बसेंगे, जिसको वो होमलैंड कहते हैं, या बड़े बड़े क्लस्टर्स में, जगती टाइप क्लस्टर्स में बसेंगे। तो क्या एक्चुअली होना चाहिए, इसका फैसला सरकार को एक रोड मैप के जरिए करना चाहिए। और वो रोड मैप कैसे बनेगा? आपके कश्मीरी पंडित समुदाय के नुमाइंदों के साथ बात करने के बाद। तो नुमाइंदे, आप क्या सजेशन देते हैं कि क्या होना चाहिए, किस प्रकार से इन्हें वापस बसाया जाना चाहिए? क्या अलग से एक यूटी बनाकर, इनकी कश्मीरी पंडित के लिए अलग से एक होमलैंड और यूटी बनाकर वैसे बनाना चाहिए, या किसी और तरीके से? उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो नुमाइंदे हैं कम्युनिटी के, उनसे बातचीत करके कंसेंसस लेना चाहिए। मैंने ये कहा, दो इस वक्त कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं। होमलैंड एक ही जगह जहाँ सेंस ऑफ आइडेंटिटी रहेगी, कल्चरल आइडेंटिटी रहेगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी। एक माइनॉरिटी जो है उसका एक सिंड्रोम होता है कि वो एक ही जगह बसना चाहता है। आप जम्मू में भी देख लीजिए, एक ही जगह बसी हुई है माइनॉरिटी, और कश्मीर में भी जाके वो एक ही जगह बसना चाहेंगे अब, ख़ास तौर से जबकि कुछ किए बगैर उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली कि सदियों से वो आपस में भाईचारे से रह रहे थे और बिना कोई किए हुए कुछ उनको गोलियों का शिकार बनाया गया। उसके बाद अगर कोई वापस जाएगा तो वो यही चाहेगा कि दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो, मैं एक सिक्योर माहौल में रहूं, प्रोटेक्टेड माहौल में रहूं। तो मेरी तो यही सजेशन है कि एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, बुनियादी कंसेंसस, कहाँ बसना चाहेंगे। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने की ये पैकेज में, नौजवान पढ़े लिखे लोग जो पैकेज में हमने भेजे वहाँ, कि ये एक बार बस जाए वहाँ तो शुरुआत होगी, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी पहुँचेंगे, रिश्तेदार भी जाएंगे, और वो धीरे धीरे तालमेल भी बढ़ेगा, तो एक शुरुआत होगी वापसी की। अब उस तरह की सोच में इस तरह के जो ये हादसे होते हैं वो बहुत ही रुकावट डालते हैं। तो बहुत जरूरी सर है। वक्त एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी दो सवाल हैं मेरे पास, दो सवाल और हैं, उन दोनों के आपसे जवाब जानना चाहूँगा, लेकिन संक्षेप में। पहला सवाल, अगर सभी कश्मीरी पंडित लीडर्स पार्टी एक साइड रखकर, पार्टी अपनी साइड, अगर सब एकजुट होकर इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात करें, क्या आप भी उसमें सपोर्ट देंगे? देखिए, आवाज़ तो उठाते ही हैं, आवाज़ तो हर जगह उठ रही है। ऑन वन टेबल, एकजुट क्या मतलब होता है? मतलब ऑन वन टेबल, पार्टी अपनी जगह और आप लोग अपनी जगह। कितने लोग एक सर, अलग अलग पार्टीज में अलग लोग, अलग लीडर्स हैं, अलग अलग लोग हैं, सब जगह से जो आवाज़ उठ रही है तो वो मिलके एक ही आवाज़ तो बन रही है ना, कम्युनिटी की आवाज़ बन रही है। इकट्ठे होके एक टेबल पे आकर, एक जगह एक स्टेज पर आके वहाँ से आवाज़ उठाने की बात कर, कोशिश कर लीजिए इकट्ठा करने की, लेकिन आवाज़ सब जगह से उठी कश्मीरी पंडितों की, ऐसी बात नहीं हुई और उसका असर भी हुआ। तो अब आप ये कहें कि साहब सभी इकट्ठा हो जाएं, वो मुमकिन है नहीं। ये एक 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 स्लोगन है कि कश्मीरी पंडित जी यूनाइटेड नहीं है। यूनाइटेड क्यों हो? वो एक ही बात डिफरेंट प्लेटफॉर्म से करता है तो ठीक है, करने दो, लेकिन असरदार बात तो करता है, सुनता तो है उसको कोई। उसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा,
जिस प्रकार से अभी भय का माहौल है माइनॉरिटीज़ में वहाँ पर, उस माहौल को दूर करने के लिए, उनके मन से डर को दूर करने के लिए, उनका विश्वास जो है हमारी सुरक्षा प्रणाली पर वापस लाने के लिए, क्या ऐसे इकदाम हैं जो सरकार को करने चाहिए? मैंने कहा ना, सिक्योरिटी की एश्योरेंस देनी पड़ेगी, जहाँ जहाँ बिखरे हैं वहाँ से हटा के उनको एक जगह रखना पड़ेगा, चाहे वो हायर्ड अकोमोडेशन हो, होटल अकोमोडेशन हो, वहाँ पे सिक्योरिटी, तभी ये सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब जैसे आज रह रहे हैं, अगर वैसे ही रखा जाएगा उनको, तो ये मुमकिन नहीं है, चाहे आप कितना भी आश्वासन दे लें कि वो सिक्योर फील करेंगे। अभी तक 15 अगस्त से पहले और 370 हटाने के बाद भी कश्मीरी पंडित वहाँ पे इतना इनसिक्योर नहीं फील किया। आप सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट पे देखते हैं, किसी ने लिखा है साहब 370 हटाने के बाद भी मैं इतना डरा नहीं था जितना कि आज मैं डरा हुआ हूँ। तो ये माहौल को धर्म भरम करने की एक साजिश है। इसको जब तक कि एक सतर्क एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली इस माहौल को ठीक नहीं करेगी, तो कश्मीरी पंडित नौजवान का वहाँ रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो डर में है, डर के वजह से यहाँ सिक्योरिटी के लिए आएगा। सरकार को इस तरह के ये ऑर्डर नहीं निकालने चाहिए कि आपकी छुट्टी नहीं है, आप वो हैं, ये है। मुझे याद है 90 में जो माइग्रेशन हुआ, हालांकि ये मैं नहीं चाहूँगा कि माइग्रेशन आज जो ये थोड़ा सा हुआ है उस पैमाने का है, लेकिन उस वक़्त हमने कहा, आज भी जो विस्थापित टीचर है 31 साल हो गए, हमने उनको छुट्टी पे ट्रीट किया हुआ, हमने उनको कहा कि आप वापस नहीं जा सकते, आपको भी तनख्वाह मिलनी चाहिए, तनख्वाह मिलती रही उनको यहाँ पे, और फिर हमने जिस दौरान वो यहाँ रहे उसको ट्रीट किया छुट्टी, और अभी तक भी छुट्टी ट्रीट की जा रही। तो एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस रिक्वायर एक्स्ट्रॉर्डनरी रिस्पॉन्सेज एंड सोल्यूशंस। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थे मेरे साथ विजय बका।